अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आनंदा महाविद्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। महिला दिवस पर प्रकाश डालते हुए प्राचार्य नीलमणि मुखर्जी ने कहा कि भारत में 5 मुख्य बिंदुओं पर टीम रखा गया है, सम्मान वेतन का अधिकार, घरेलू हिंसा पर रोक, मातृत्व का लाभ एवं महिलाओं को रात्रि में गिरफ्तार नहीं करना। इस सिग्नल में मुखर्जी ने विस्तार से इन बिंदुओं पर चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता नीलमणि मुखर्जी एवं कार्यक्रम का संचालन महिला प्रकोष्ठ के समन्वयक डॉक्टर मीना श्रीवास्तव ने की। कार्यक्रम को डॉक्टर ललिता राणा, डॉक्टर उर्मिला शर्मा, प्रोफेसर सुचारिता, प्रोफेसर मौमिता सिकंदर एवं प्रोफेसर प्रेरणा शर्मा ने भी महिलाओं को संबोधित किया। हजारीबाग से सागर की रिपोर्ट। कि हमारे देश में शिक्षा के प्रति लेकर महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, इस पर मैं कुछ शब्द कहना चाहती हूँ कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति ही शिक्षित होता है, परंतु जब एक महिला शिक्षा प्राप्त कर लेती है तो अपने परिवार के साथ साथ पूरा समाज को भी शिक्षित कर देती है। कि कॉलेज कैंपस के अंतर्गत जो तरह तरह की समस्याएँ बालिकाओं को, लड़कियों को होती है, चाहे वो छेड़खानी वाली बात हो, चाहे वो किसी तरह कमेंटबाजी हो या मोबाइल पर तंग करने वाली बात हो, ये सेल बना करके सर सशक्त किए हैं महाविद्यालय को, विशेषकर गर्ल्स। महिला दिवस कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? भारत में 5 मुख्य बिंदुओं पर थीम रखा गया और 5 वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किए गए और इन 5ों को, इस थीम को शामिल किया गया, जिसमें पहला था समान वेतन का अधिकार, पहला थीम है इक्वल सैलरी, दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा पर नियंत्रण, तीसरा है मैटरनिटी लीव, वो इस साल के थीम में है कि 26 वीक लीव विद सैलरी, नॉट विदाउट सैलरी, विद सैलरी, 26 सप्ताह का मातृत्व लाभ की अवकाश का, नो अरेस्ट इन नाइट, रात में महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चौथा, और 5वां है कोअर्शन एट वर्क प्लेस, किसी भी कार्य स्थल पर उत्पीड़ित नहीं किया जा सकता। इस बार के महिला दिवस के संदर्भ, भारत के संदर्भ में 5 मुख्य वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट्स रखे हैं। मैं लेकिन अब न रहूंगी, अपने आवाज के साथ अपने हक के लिए उन सब से लड़ूंगी। मैं कठोरता की सवारी हूँ, मैं कल भी, मैं आज हूँ और कल भी रहूंगी। अब आई डू नॉट वांट टू फिट इन द ग्लास स्लीपर दैट समवन हैज मेड फॉर मी इट बाय द टर्म ग्लास सीलिंग। जब जब मेरे आत्मसम्मान, मेरे अधिकारों, मेरे अस्तित्व या मेरी आज़ादी पर ये समाज उंगली करता रहेगा, तब तक मैं, यानी हर वो एक लड़की, हर वो एक औरत अपने हर एक लड़की हूँ, हाँ मैं एक औरत हूँ और मुझे कोई दूसरा हमें ये नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है और क्या। बहुत शुक्रिया सुरन आपका। क्यों कहती है दुनिया नारी कमजोर है, आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की दौड़।